brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। ऐसे भी सूरत मनपा में पिछले 5 साल में आप देखो भाजपा के शासन में तो कोबांडो की कोई कमी नहीं हुई। ट्रैक्टर कोबांड, कंटेनर कोबांड, कचरा पेटी कोबांड, चाहे सफाई कर्मी की भर्ती का कोबांड हो, उसके पहले जो भी भर्ती हुई उस भी कोबांड, त्रिजी श्रेणी क्लार्क का कोबांड विवाद चला, अभी असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती का कोबांड चला विवाद चला, उसमें सांसद श्री खुद ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री खुद ने आक्षेप लगाए थे। और अभी थोड़ा दिन से हम देख रहे हैं खिचड़ी कोबांड बहुत चरम सीमा पे चल रहा है। तो अब इनका लेवल इतना नीचे गिर चुका है ये शासनों का कि इन्होंने अभी कुत्ते के नाम पे जो नसबंदी का रुपया भी ले रहे हैं उसी के ऊपर भी इन्होंने प्रजा के प्रश्नों को कैसे दुरुपयोग करना चाहिए वो फिर से प्रस्थापित किया और करोड़ों रुपया प्रजा के बेफालतू वापर रहे हैं। जो उन पर ध्यान दिया होता या तकेदारी रखी होती या नीति नियम से दिए होते तो मैं समझता कि इतना रुपये का खर्च नहीं होता। पिछले कुछ दिनों से सूरत महानगर पालिका लगातार विवाद का केंद्र बनी हुई है। विवाद यानी कि यहाँ के अधिकारी और जो प्रशासनिक जो यहाँ की बॉडी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। एक मामला और सामने आया है, एक आईटीआई करने वाले शख्स ने जो शहर के अंदर जो कुत्तों को रस्सी पिलाई जाती है, नसबंदी करवाई जाती है अथवा उन्हें पकड़ने की जो बात होती है उसको लेकर घोटाले का आरोप लगाए हैं। तुषार मेपानी है, आईटीआई करने वाले वो शख्स हमारे साथ मौजूद है। हम पहले उनसे संभाल लेते हैं। तुषार, ये बताइए कि आईटीआई आपने क्या सोच के की थी और क्यों की थी? हमारे विस्तार में कुत्ते का खूब ज़्यादा त्रास होने के कारण मैंने सोचा कि मुझे एक आईटीआई करके इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि समग्र सूरत शहर में कुल कितने कुत्ते कॉरपोरेशंस ने पकड़े हुए हैं और उसकी खसीकरण रसीकरण में कुल कितने पैसे खर्च किए हुए हैं, तो उसके लिए मैंने आरटीआई की थी। क्या कुछ जानकारी दी गई है और कब से किस तारीख से लेकर किस तारीख तक की जानकारी दी गई है? जनवरी 2014 से लेके सितंबर 2020 तक कुल मिला के 47,133 डॉग्स कॉरपोरेशंस ने पकड़े हुए हैं, उसमें से 43,791 डॉग्स को रसीकरण और खसीकरण किया हुआ है। ठीक है, उसके लिए कुल मिला के 3,07,80,000 रुपया प्लस एडिशनल अधिकारी की परमिशन से 65,00,000 रुपया और दिया गया है। इतनी मस्त मोटी रकम, इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद भी सूरत शहर में कुत्ते का इतना ही त्रास है। मतलब इसका साफ मतलब ये नज़र आ रहा है कि कुत्ते के पीछे रसीकरण और खसीकरण के पीछे इतने पैसे का खर्च नहीं किया गया। अगर एक खर्च किया गया होता तो सूरत शहर में आज एक भी कुत्ता नज़र नहीं आता। कुत्ते की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और रात के समय पे घर से बाहर निकलने भी लोगों को डर लग रहा है क्योंकि कुत्ते बाइट कर रहे हैं हमारे विस्तार में, इसलिए मैंने ये आरटीआई की थी। जिस तरह से इसमें जानकारी दी है वो आंकड़ों के हिसाब से कि भाई इतने कुत्ते पकड़े गए, इतना रसीकरण खसीकरण करके आ गया और उसके पीछे इतना खर्चा हुआ, तो ये घोटाला कैसे कह रहे हैं आप? घोटाला कहने की वजह क्या है इसके पीछे? एक कुत्ते के पीछे 850 से लेके 900 तक का खर्चा किया गया है। रसीकरण के पीछे इतना खर्चा लगता नहीं है और उसमें भी ये लोगों ने इतनी रसीकरण किया है वो भी हम श्योर नहीं है कि इतना रसीकरण किया है, क्योंकि अगर रास्ते में आप 10 कुत्ते को कोई भी डॉक्टर को दिखाओ तो उसमें से आपको कोई भी रसीकरण वाला नज़र नहीं आएगा। अगर इतने कुत्ते को किया होता तो 10 में से एटलीस्ट 2-3 कुत्ते तो नज़र मिलते ना, लेकिन एक भी नहीं है, तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें घोटाला किया गया है। इस मामले को लेकर आगे कोई आप किस कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि जो जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला है कहीं नहीं का, तो इसको लेकर जो आपके पास जानकारी मिल चुकी है तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे क्या? क्योंकि कुछ दिन पहले ही सूरत की सिविल हॉस्पिटल और स्वीमर हॉस्पिटल में भी इंजेक्शन की प्राइस को लेके, फिर अनाज को लेके, फिर कचरा पेटी को लेके काफ़ी सारे सूरत शहर में घोटाले नज़र आए हुए हैं और
और उसके बाद ये वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट पर भी और एक घोटाला नजर आया है, तो एटलीस्ट मैं कोई ना कोई कानूनी कार्यवाही करूंगा, जरूर करूंगा। ये तुषार जिन्होंने आईटीआई की महानगर पालिका के अंदर और इनका सीधा तौर पर आरोप है, जो इनको जानकारी मिली है कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं कुत्तों के पीछे, लेकिन जिस तरह से उनकी कमी शहर में होनी चाहिए थी वो कमी नहीं हुई, यानी कि जो खर्च किया गया है वो खर्च तो कागज पे किया गया है लेकिन उसे कहीं जमीन पर नहीं किया गया है, ऐसा इनका साफ तौर से आरोप है। और यही वजह ये कह रहे हैं कि इस मामले में कहीं ना कहीं घोटाला है। कैमरामैन साहिल जगताप के साथ संजय सिंह राठौड़, गुजरात तक।